तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करूँगा हिंदी क्लास 12th एनुअल बोर्ड की दोस्त चैप्टर नंबर 1 कविता कैसे पढ़े। दोस्त कविता कैसे पढ़े, इससे पहले हम ये जानते हैं कि हमने अपने लाइफ में बचपन से लेके अब तक ना जाने कितनी कविताएं पढ़ लिया होगा, कविता हमने सुना भी होगा। लेकिन इस तरह की कविता जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा, आखिर ये कविता होता क्या है। तो चलिए दोस्त आज बात करते हैं कम्प्लीटली कि ये कविता होता क्या है। कभी कभार ऐसा होता है जब मनुष्य अपने बातों को कहकर या बोलकर व्यक्त नहीं कर पाता या बता नहीं पाता तो वो उनको इशारों में या गुनगुना कर बताता है, जिससे उसके बात सामने तक पहुंच भी जाए और सामने वाले यानी जो उसके बात को सुन रहा है उसको समझ में भी आ जाए। यानी कि यही तो कविता है। कविता भाषा का एक ऐसा माध्यम है जो सुनने वाले यानी कि जो पढ़ रहा है उस कविता को उस पर एक जोरदार असरदार एक असर छोड़ता है। यानी कि कैसे, तो हम कह सकते हैं कि कविता के अंदर भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। जब कोई भी कविता हम पढ़ते हैं तो जिसने उस कविता को लिखा है तो वो कविता में उस कविता के अंदर लिखने वाले की पूरी भावनाएं होती है, उसके विचार होता है और इसे पढ़ने के बाद जो उसको पढ़ने वाला है वो थोड़ा ना ज़्यादा प्रभावित सा हो जाता है। कोई भी बात हम सिंपल रूप में जब कहते हैं वो इतना असरदार साबित नहीं होगा। जब किसी बात को हम शायरी के माध्यम से कहते हैं या कोई शब्द को बना कर कहते हैं और सिंपल बातें जब हम उसको कविता के माध्यम से कहते हैं तो वो ज़्यादा असरदार होता है। लाइक डैट तुलसीदास, कबीर, रैदास, इनके दोहे किसी भी कहानी के मुकाबले बहुत ज़्यादा असरदार होते हैं, इनके छुपाई। तो इसलिए हम कविता पढ़ते हैं। अगर हम बात करें, ये तो सिंपल एक इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम बात करते हैं कि कविता का स्वरूप क्या है। जब हम कविता के स्वरूप की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि कविता का जड़ कहाँ है, इसका उदय कहाँ से हुआ। तो प्राचीन भारत में इसका उदय तो हो चुका था, यानी कि इसके प्रयोग का हमें साक्ष्य या रिसोर्स हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, चाहे वो प्राचीन ग्रंथ किसी भी भाषा में हो लेकिन संस्कृत भाषा में ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन यहाँ तक कह दिया गया कि इन कविताओं में रस, अलंकार, छंद, रीत, इनके प्रयोग के द्वारा इस कविता को इतना ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जाता है, इफेक्टिवनेस बनाया जाता है, ताकि पढ़ने वाले को ज़्यादा ही असरदार लगे। और इसी स्वरूप के कारण कविता का तेज़ी से विकास हुआ और आज इतने कवि हैं जो अपने बातों को जोरदार ढंग से रखते हैं, चाहे दोस्त किसी को समझाना हो या प्रशासन या शासन की आलोचना करनी भी हो। तो कविता अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जो आज से नहीं प्राचीन समय चलता आ रहा है और आज बहुत ज़्यादा असरदार साबित हुआ है। इसी को हम कविता का एक स्वरूप मान के चलते हैं। स्वरूप मतलब कि प्राचीन काल से लेके आज कविता में बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, है ना। अलंकार बहुत पहले यूज हुआ करता था लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, कुछ कुछ नए नए चीज़ ऐड्स हुए, कुछ हट गए, यही तो हमारा स्वरूप है। यहाँ पे हम चलिए बात करते हैं कि इनका परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, जिनका ये कहना है कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे तो कविता कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं जो भी बातें हमारी हृदय दिल से और हमारी वाणी हमारे माउथ से निकलकर सीधे ही सुनने वाले पर प्रभाव डालती है, दैट इज नोन एज क्या, सिंपल शब्द में कहें हम तो कविता। इसी प्रकार से एक और यहाँ पे हमारे कवि हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इन्होंने क्या कहा कि कविता का लोक प्रचलित अर्थ वह वाक्य है जिसमें भाव वेश हो, कल्पना हो, पदलायलितियाँ हो या प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जब हम कोई भी लाइन कविता के माध्यम से कहते हैं तो वो लाइन एक तरफ से उसको गुनगुनाया जा सकता हो, उसको गाया जा सकता हो, वो इस रूप में हो ताकि कहते तो एक ललायकता, लय मतलब एक लय में हो, एक सुर में हो। तो ये हजारी प्रसाद जी का कहना है, इसीलिए ये आज बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना गया, ये इफेक्टिवनेस माना गया आज के एरा के अंदर, आज के युग के अंदर। तो ये दोनों थिंकर्स का नाम जरूर बताना एग्जाम्स में जब आप लिख रहे हो कविता के बारे में। तो अगर मैं कविता के महत्व की बात करूं तो यहाँ पे दो तीन महत्व है। सबसे पहला सहज भाषा होना, यानी कि पढ़ने वालों को आसानी से समझ में आ जाना। दूसरा इसका पॉइंट ये होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है, यानी कि जो इसको सुनता है या समझता है ये उस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, सीधे उसके दिल को छू जाए, हम ऐसा कह सकते हैं। तीसरा ये कि हम अपने कम शब्दों में एक बहुत बड़ी बात कविता के माध्यम से कह सकते हैं।
तीसरा पॉइंट, एंड चौथा पॉइंट क्या है, कविता में उन सभी चीज़ों को शामिल तो किया जाता है लेकिन इसमें जटिल भाषाओं को शामिल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। फिफ्थ पॉइंट, यह इतना आसान और सरल होता है कि जब हम कोई भी बात, कोई कभी कोई बात रख रहा हो तो इसमें उसके भाव पक्ष को, कला पक्ष को शामिल किया जाता है। अब यह होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर की भावनाएं, जब कोई भी इंसान आपको पहले बुक पढ़ के समझाए है ना, या आपको वो हाथों के एक्शन से समझाए, आई थिंक आपको हाथों के जो एक्शन से समझाया जाएगा वो बेटर समझ में आएगा। अगर आपको मैं बोलूँ बुक्स पढ़ो उससे समझो, अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं एक मूवी, एक एनिमेशन टाइप में कोई मूवी दिखा के समझाऊँ है ना, प्रैक्टिकली समझाऊँ, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। इसी प्रकार से कविता है, जब हम चीज़ों को डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट ही वे में एक कविता के माध्यम से रखते हैं, तो दोस्त ये भी एक डायरेक्ट इफेक्ट उस बंदे पे छोड़ता है जो इसको सुनने वाला है। आज तो अच्छे अच्छे लोग दोहे को यूज करते हैं अपनी बातों को रखने में और किसी बात को साबित करने में। दोस्त जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप सिंपल इसको समझे और प्रैक्टिकली रूप से आप इसको एग्जाम्स में लिख सकते हो, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। दोस्त मैंने एक चैप्टर को पूरे समराइज करने की यहाँ पर कोशिश करी है। अब हम बात करते हैं कि थोड़े अवयव, ये अवयव का मतलब क्या होता है, यानी कि इस कविता का मेन पार्ट क्या है, कविता किन के बिना अधूरा है, इनको मिलाकर ही कविता बनता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे वो है भावपक्ष। भावपक्ष कविता का वह पक्ष है जिसमें कवि का चिंतन यानी कि उसके विचार और जो उसकी सोच है ये सभी कुछ इसमें शामिल होती है, इसको हम भावपक्ष कहते हैं। भाव मतलब भावनाएं, उसके विचार। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कला पक्ष। कला पक्ष कविता का वह पक्ष है जिसके द्वारा कवि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है ना, क्या करता है, भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, जिसमें उसकी सारी कलाएँ, जैसे हम कह सकते हैं कि उसके अंदर उसकी भाषा शैली क्या है, उसमें छंद कौन सा प्रयोग किया गया है, उसमें अलंकार कौन सा प्रयोग किया गया है, इनको कहते हैं कला पक्ष। तो भाव पक्ष जिसमें उसके विचारों को, सोच को और उसने क्या कहा है ये आता है, एंड कला पक्ष के अंदर उसने कौन से छंद, अलंकार है ना, मुहावरे, ये सब कौन से यूज किए हैं ये आता है। बात आती है नेक्स्ट, वो है भाषा शैली। भाषा शैली की जब बात आती है तो जब हम कम से कम शब्दों में कविता के अंदर एक अच्छे से अपने बातों को रख पाते हैं वही एक भाषा शैली है। लेकिन याद रहे इस प्रकार कविता के कला पक्ष के अंतर्गत भाषा का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। जो कवि है उसकी एक स्किल होती है जो अपने कम शब्दों में पढ़ने वाले पे एक प्रभाव छोड़ता है, उसी को हम भाषा शैली कहा जाता है जो कविता की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका छंद। कविता की भाषा प्रभावमयी होती है इसलिए कविता को प्राचीन समय में छंदों के माध्यम से रचा जाता था। छंद का अर्थ होता है भाषा के लयात्मक, लयात्मक मतलब जब मैंने आपको बताया ना अभी जिसको दोहे के रूप में, चौपाई के रूप में, इनके रूप में लिखा जाता हो, बताया जाता हो, जिसको गुनगुनाया जा सके, इसको तो छंद कहते हैं जो सुनने वाले पे ज़्यादा असर छोड़ती है। नेक्स्ट आपका अलंकार। प्राचीन कविता में भाषा के कौशल से कवि अलंकारों का है ना, यानी कि जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं पहले तो वो भाषा का कौशल जो है, उसका जो स्किल है वो देखने को मिलता है। लाइन छोटी होकर है ना हम अपने बातों को आसानी से रख पाते हैं, अलंकारों के ही द्वारा हम उन लाइनों के और ज़्यादा महत्व बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज इसका प्रयोग घटता जा रहा है यानी कि डिक्रीज हो गया है। एंड बात करते हैं अपना हम थोड़े से और अन्य अदर पार्ट्स भी हैं, जैसा कि आधुनिक कविता में रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गए, ये सब जानबूझकर ही प्रयोग नहीं किए जाते। इनका सबसे बड़ा प्रयास ये रहता है कि इन तत्वों में मुख्य रूप से प्रतीक और बिंब का उल्लेख किया जाता है, जैसे किसी वस्तु के माध्यम से किसी अन्य वस्तु या घटना से संबंधित बात कहा जाना। मान लो मैं कोई बात कह रहा हूँ और जब मैं कोई बात कह रहा हूँ और उसमें मैं कोई एग्जाम्पल दे दूँ कि फलाना यहाँ पे कोई घटना हो गई था और इस घटना से उस कविता में जोड़ दूँ तो उस घटना से शायद आपको वो कविता ही समझ में आ जाए। तो आज घटना को जोड़कर कविता को स्पष्ट किया जाता है, बताया जाता है ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। अब हम लास्ट में बात करते हैं कविता को कैसे पढ़ा जाए। पहली बात तो ये कि कविता को, बातों को हम जब तक नहीं समझ पाते जब तक हम उसके अर्थ को नहीं जानते। जैसे जब हम किसी की भावनाओं को बंदे को देखकर नहीं पहचान सकते, ऐसा होता है ना, आपके साथ क्या बीत रहा है ये हम आपको देख के नहीं बता सकते। ऐसा होता नहीं कि आपके साथ अभी कभी कोई दुख में हो, आप कोई बात ऐसी होती है आप किसी को बता नहीं पाते और आप पे जो बीत रही है वो सामने वाला समझ नहीं पाता। तो इस हालात में
आप अपने बातों को जब नहीं रखोगे तो सामने वाला कैसे समझेगा। इसीलिए जब कोई कविता कही जाती है तो उसको पहले बोर्डिंग ये होती है कि उसको पहले समझे, वरना दोस्त कविता को पढ़ा तो जा सकता है लेकिन उसको समझा आसानी से नहीं जा सकता। अब बात ये आती है कि कविता कैसे पढ़े। तो जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम भाषा, रस, रीति और छंद और अलंकारों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, ताकि जब हम कविता को पढ़ रहे हों तो उसका अर्थ हमें आसानी से समझ में आ सके। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी कविता में लिखने वाले के भाव छुपा होता है। भाव मतलब उसकी भावनाएं प्रकट होती है, ताकि हम उसके फीलिंग्स को जान सके, वो कहना क्या चाहता है ना। कोई लाइन जब कोई कह रहा होता है उसके पीछे बहुत सारे शब्द होते हैं, एक शब्द लाखों शब्दों के बराबर होता है कविता के अंदर। इस प्रकार से दोस्त कविता पढ़ते समय अर्थों के ज्ञान के द्वारा हम समझे भी तभी उसका अर्थ समझ में आएगा और उसका महत्व स्पष्ट यानी कि डिस्क्राइब हो पाएगा। आई होप कि दोस्त आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा चैप्टर समराइज किया है। कोई भी डाउट अगर आपको रहता भी हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी इतना ही कहना चाहता हूँ आप सभी को कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपके डिमांड पर मैं और डालूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्त, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।